देखो यार, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं और इस कहानियों में हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। अब रामायण आप सारे लोगों ने देखा होगा, बचपन में वो रामायण चलती थी, रामायण पढ़ा होगा आपने और देखा होगा आपने कि जब प्रभु राम माता सीता की वियोग की अग्नि में जल रहे थे, 14 वर्ष का वनवास उनको हुआ था और एक उसके पीछे बहुत सारी साजिशें हुई थी, प्रकृति का विधि का विधान था वो और स्वयं विधि के विधान से प्रभु भी नहीं बच पाते हैं, प्रभु श्री राम ने ये साबित किया था। और उस घटना से हमको सीखने को क्या मिलती है कि जब वो माता सीता की वियोग में जल रहे थे प्रभु श्री राम, तो उन्होंने हर चीज को कुर्बान कर दी, अपने पिता के लिए पहले, फिर अपनी पत्नी के लिए, हर चीज को कुर्बान कर दी। और चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी पत्नी को, अपनी भार्या को पाना है, इस तरह का सोच लेके वो चले। और जब इस तरह का सोच लेके चले तो वो इस विशाल समंदर में पत्थर तक तैरने लगे। तो ठीक इसी तरह की चीजें, जब आपकी सोच और संकल्प और आपका दृढ़ विश्वास एक कॉज के लिए लग जाता है, एक समाज के लिए लग जाता है और देश के लिए लग जाता है और अपने लोगों के लिए लग जाता है, अपनी कौम के लिए लग जाता है, तो चीजें मैजिक हो जाता है। और वो मैजिक आपकी ही नहीं, आपकी पूरी सोसाइटी को चेंज करता है और वहां से एक रियल हीरो पैदा होता है। रियल हीरो तब आप नहीं बनते हैं जब आप पैदा होते हैं अपने विचारों से नहीं बनते। आप कितने स्मार्ट हैं, किस घर से पैदा हुए हैं, क्या हैं आप, कुछ भी नहीं। आपकी पहचान सिर्फ इस बात से होती है कि आपके कर्म कैसे हैं। और जैसे जैसे आपके कर्म उस लेवल तक बढ़ते हैं, आपका ऑरा, कद, प्रतिष्ठा बढ़ने लगे और फिर किसी चीज की मोहताज नहीं हो जाती है आपकी पर्सनैलिटी। आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो ओवरऑल न सिर्फ बढ़ती है बल्कि उसकी रोशनी से अच्छे अच्छे लोग जगमग हो जाते हैं और एक समाज में एक क्रांति आती है।